मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि श्रीमती संगीता आजाद जी दिन में करना चाहे इन्हीं शब्दों में मेरे वक्तव्य जी। धन्यवाद संगीता आजाद जी, बहुत संक्षेप में दो मिनट में प्लीज, दो मिनट में बात करिए प्लीज। सर सर बस दो मिनट में सर, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपको और अपनी पार्टी की मुखिया बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारत में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण RBD अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है और यह जन्म मृत्यु के आधार पर लिया जाता है। तेजी से हो रहे डिजिटलकरण के कारण देश में एक राष्ट्र एक डाटा का पोर्टल शुरू करने की दिशा में विभिन्न धाराओं को निहित उपबंधों को सरलीकरण के भारत सरकार RBD अधिनियम के संशोधन करने का प्रस्ताव सराहनीय है। लेकिन सर कई ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं जो कि एक तो मेरे जिले की है सर, जिसमें एक व्यक्ति को जीवित व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया, उसको उसने अपना नाम को ही लाल बिहारी मृत्यु संघ नाम से एक उन्होंने अपने कमेटी बनाई, समिति बनाई है और इसमें इस समिति में कम से कम 20,000 लोग रजिस्टर्ड है सर। जीवित होने के बाद भी उनको मृत घोषित करके उनके हर सरकारी हर कल्याणकारी योजनाओं से मुक्त रखा गया है और ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उनकी जमीन और संपत्ति को हड़पने की साजिश करके गलत मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है सर। आज भी हमारे कर्मचारी जो पेंशनधारी हैं उन्हें अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है और हर वर्ष जाकर अपने दफ्तरों में उन्हें इस जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जिनकी आयु 90 से 100 वर्ष के बीच के कर्मचारी हैं उन्हें दफ्तर जाकर जीवित प्रमाण देने में बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सर मेरी गुजारिश है सरकार से कि पेंशनधारी कर्मचारी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है उनका जीवित प्रमाण पत्र या तो ब्लॉक से या स्थायी समितियों से इकट्ठा करके उन्हें मान्य किया जाए। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। आई स्टैंड टू अपोज दिस RBD बिल। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट बट द सिटीजन लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड, बट दिस गवर्नमेंट बिलीव्स इन द ऑपोजिट। व्हेन वी आस्क फॉर डेटा ऑन पावर